ये कुछ चार्जेस हैं जो मिसेलेनियस चार्जेस के नाम से DHS इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो फाइल है चार्जेस की, रिवाइज चार्जेस की, इसमें एंड पे मौजूद हैं। ये मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है। इसमें मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरह बायलॉज बुकलेट जो है 600 रुपये की है, आईडी कार्ड चार्जेस 400 हैं, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी जो है 4000 रुपये है, इशूएंस ऑफ डुप्लीकेट लेटर 25,000 का है, अलॉटमेंट लेटर ऑन स्पेशल अथॉरिटी 5,000 का है, इशू ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर 12,500 का है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स 50,000 रुपये में होती है, रीन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन 25,000 में होती है, प्रॉपर्टी डीलर की कार्ड की 1,500 रुपये फ़ीस है, लीगल फ़ी फॉर काशन रिमूवल 10,000 रुपये है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसल्टेंट फ़ी जो है आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर या वेटिंग इंजीनियर या सॉइल टेस्ट फर्म या सोलर फर्म, इसकी 50,000 रुपये जो है फ़ीस है, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसल्टेंट फ़ी, ठीक है जी। और उसके बाद की रीन्यूअल ऑफ कंसल्टेंट फ़ी जो है 25,000 रुपये है, और करेक्शन इन ऑनर्स नेम 6,000 रुपये में होती है, पोस्टेज एक्सपेंस और अलॉटमेंट लेटर 5,000 लोकल का, 20,000 फॉरेन का, फ़ी फॉर प्रोविजन ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपने डॉक्यूमेंट टेस्ट नहीं करवाए हुए तो डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाने के 600 रुपये पर डॉक्यूमेंट DHA आपसे चार्ज करता है। ये मिसेलेनियस चार्जेस हैं। बहुत से इसमें लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं और फिर वो देखते रहते हैं कहाँ से इनको देखा जाए, ठीक है। जैसे अगर किसी ने डुप्लीकेट अलॉटमेंट लेटर लेना हो तो फिर ये नहीं पता होता, बहुत रेयर ये होता है कि किसी का डुप्लीकेट जो लेटर है ओरिजिनल वो गुम जाता है, तो फिर डुप्लीकेट निकलवाना हो तो उसके कितने पैसे हैं, ठीक है। और बायलाज की बुकलेट जो है, वैसे बायलाज जो है वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ये पोजेशन अगर आपको मिल गई है तो उसके बाद आप इसको, इस बुक को वहाँ से PDF में डाउनलोड कर लें, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपने हार्ड कॉपी में लेना है तो यहाँ से ले लें 600 के, अगर DHA के पास आप रहते हैं, ठीक है जी। इस तरह करेक्शन ऑफ ऑनर्स नेम है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। फाइल ये मौजूद है रिवाइज चार्जेस के नाम से विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2022, यानी दिसंबर 2022 के बाद ये चल रही है। अभी मई 2023 है जब मैं रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूँ, तो अभी यही चार्जेस हैं अपडेटेड वाले।